गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब क्लासेस, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वाई सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो हमें देखिए सुटेबल अरेंजमेंट से कर लीजिए, कैसे भी इसे हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए हमने एडिशन इसका ये कर दिया, इसमें हमें सिंपली एडिशन करना है, सिंपली इसमें एडिशन करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट लेके सिंपली इसमें भी एडिशन करना है। ये क्या है, डू द सबट्रैक्शन सम एंड चेक द आंसर विद सुटेबल एडिशन। हमने क्या किया, सबसे पहले इन्हें चेक वो किया, हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब हमें आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पहले वाला नंबर हमारा ये आ जाएगा। अगर ये पहले वाला नंबर इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। सेम ऐसे ही बी क्वेश्चन में देखिए, हमने इसका माइनस कर दिया, माइनस होने के बाद जो हमारा आंसर आया है इसे हम पहले वाले नंबर में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमें यहाँ ये दे रखा था वही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम सी क्वेश्चन, डी क्वेश्चन, ई क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सम गिवन बिलो रिप्लेस दैट विद द सुटेबल डिजिट। हमें क्या रखा है, फर्स्ट भी ऐड हमने देखिए यहाँ पे हमने ये ऐड कर लिया, तो क्या आ गया 144 आ गया, हमने इसमें यहाँ पे 44 ऐसे ऐड कर दिया। मतलब मिसिंग नंबर है, हमें मिसिंग नंबर को ऐसे ही बी, ऐसे ही सी और ऐसे ही डी और ऐसे ही ई एफ, ये मिसिंग नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए स्कूल विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1256। हमारे स्कूल में टोटल बच्चे कितने थे, 1256। लड़के कितने हैं उसमें, बॉयस 696। तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया, गर्ल्स आ गया। ठीक है, इसे हम सिंपली ये भी समझ सकते हैं, मान के चलिए तुम्हारे घर में 5 मेंबर हैं जिनमें से कि 2 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बची, 3। ओके, ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए विलेज द नंबर ऑफ मैन 1286। आदमी कितने हैं उसमें, 1286, एंड वुमेन कितनी, इतनी। टोटल पॉपुलेशन हमारी आ गई, मैन टोटल स्ट्रेंथ आ गई हमारे। अब हम बच्चे उसमें कितने, इसमें टोटल गांव में 45, ये कितने थे, 4526 थे। तो 4526 में मैन एंड वुमेन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे चिल्ड्रंस आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर शर्मा विदड्रॉ इक्वल टू कितना, 6000 रुपीज बैंक से निकालते हैं, ही पेड 2517 पेड करते एक टेबल लेने के लिए, 1815 फॉर रिपेयर्स के लिए इन द हाउस, तो उनके पास कितना पैसा बचा, तो इन दोनों को हम ऐड करके 6000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, इनके ऐसे पैसे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमारा क्या है, सेम उसी लॉजिक में टॉपिक में है। अब आते हैं मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, ए मैजिक स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम सच दैट द सम ऑफ नंबर्स इन एवरी रो इन एवरी कॉलम एंड अलोंग द डायगनल इन सेम। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो होती है ऊपर वाली इसे रो 1 बोलते हैं, ये रो 2 है, ये वाली ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम क्या है हमारे 3। अब देखते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स अलोंग विद सेकंड रो। हमें सेकंड रो का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड, सम फाइंड करना है। तो देखिए हम इसे ऐड कर देंगे, सेकंड रो का सॉल्यूशन आ गया। नाउ इन डायगोनल थर्ड नंबर इज, तीसरा नंबर हमारा क्या है, 27 माइनस 10 प्लस 9। मतलब हमने क्या कर लिया, देखिए ये हमने यहाँ निकाल लिया, ये चीज़ हमने निकालना है हमें, तो हमने इसका ये आंसर निकाल लेंगे। ऐसे हम इसे सॉल्व कर लेंगे रो में, ठीक है, ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। मैं इनको हमें क्या करना है, एक सिंपली देखिए जैसे ये मैंने ये ना जरूरी नहीं है, अगर इसमें 5 होता तो नीचे होती तो 5 रो बढ़ जाती, इधर कॉलम 1 5 बढ़ जाता। ये हमारा 4x4 की ग्रेड है, कितने की ग्रेड है, 4x4 की ग्रेड है, इसलिए हम इसे इसके अकॉर्डिंग इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।